एमएसएमई सेक्टर की लाखों यूनिट्स हमारे देश के लिए इकोनॉमिक इंजन की तरह है। इनका देश की जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और ये कंट्रीब्यूशन करीब करीब 30% का है। एमएसएमईज की डेफिनेशन स्पष्ट करने की मांग लंबे समय से उद्योग जगत कर रहा था, अब वो उद्योग जगत की पूरी मार्ग भी पूरी हो चुकी है। इससे एमएसएमईज बिना किसी चिंता के ग्रो कर पाएंगे और उनको एमएसएमईज का स्टेटस बनाए रखने के लिए दूसरे रास्तों पर चलने की जरूरत नहीं रहेगी। देश के एमएसएमईज में काम करने वाले करोड़ों साथियों को लाभ हो, इसके लिए 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर्स को खत्म कर दिया गया है। इससे हमारे छोटे उद्योगों को ज्यादा अवसर मिलेगा। एक तरह से आत्मनिर्भर भारत पैकेज एमएसएमई सेक्टर के इंजन के लिए फ्यूल का काम करने वाला है। साथियों, ये जो फैसले हैं उनकी रिलेवेंस समझने के लिए आज की ग्लोबल सिचुएशंस को देखना और उसे समझना भी बहुत आवश्यक है। आज विश्व के तमाम देश पहले की तुलना में एक दूसरे का साथ और अधिक चाहते हैं। देशों में एक दूसरे की जरूरत और ज्यादा पैदा हुई है, लेकिन इसी के साथ ये चिंतन भी चल रहा है कि पुरानी सोच, पुरानी रीति नीति, पुरानी पॉलिसीज क्या आज कारगर होगी क्या? स्वाभाविक है कि इस समय नए सिरे से मंथन चल रहा है और ऐसे समय में भारत से दुनिया की अपेक्षा एक्सपेक्टेशंस और बड़ी है। आज दुनिया का भारत पर विश्वास भी बढ़ा है और नई आशा का संचार भी हुआ है। आपने भी देखा है कि कोरोना के संकट में जब किसी देश के लिए दूसरे की मदद करना मुश्किल हो रहा था, हर कोई अपने को संभालने में लगा था, ऐसी संकट की घड़ी में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को मेडिकल सप्लाई भेजकर उनके लिए मानवीय मदद का काम किया है। साथियों, वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर ए ट्रस्टेड रिलायबल पार्टनर। भारत में पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ है, एबिलिटी है। आज पूरे विश्व में भारत के प्रति जो ट्रस्ट डेवलप हुआ है, उसका आप सभी को, भारत की इंडस्ट्री को पूरा फायदा उठाना चाहिए। ये आप सभी की जिम्मेदारी है, सीआईआई जैसे संगठनों की जिम्मेदारी है कि मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया के साथ ट्रस्ट, क्वालिटी, कॉम्पिटिटिवनेस तीनों जुड़ा हो। आप दो कदम आगे बढ़ाएंगे, सरकार चार कदम आगे बढ़कर आपका साथ देगी। प्रधानमंत्री के तौर पर मैं आपको भरोसा दे रहा हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं।
भारतीय उद्योग जगत के लिए ए राइज टू द ऑकेजन की तरह है।